देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आइसोथर्मल के बारे में बात किए थे। अभी हम लोग उसका देखिए डिफिनेशन के तौर पर आप जानना चाहेंगे तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, मान लिया जाए कि अगर कोई सिस्टम हो, सिलेंडर पिस्टन का आप ले सकते हैं, पूरी तरह इंसुलेटेड हो चारों तरफ से, और अगर हम कंप्रेस करते हैं पिस्टन को तो अंदर में क्या होगा, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब चेंज हो जाएगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज जो है उसमें नहीं होगा। तो जब ऐसा प्रोसेस हो तो हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। द टाइप ऑफ प्रोसेस, द टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अर्थात नो एक्सचेंज, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम एक पिस्टन लेते हैं यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर ध्यान देना है इसको सडनली कंप्रेस किया जाता है। एक बात और समझना है कि फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस, जबकि आइसोथर्मल आपका स्लो प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस है। देखिए यहां पर ये ध्यान देना है कि ये आपका जो ये पूरा इंसुलेटिंग रहेगा, पूरी तरह इंसुलेटिंग रहेगा, और ये भी पार्ट इंसुलेटिंग है। तो यहां हीट अगर मान लीजिए यहां गैस मॉलिक्यूल्स अगर सडनली कंप्रेस्ड हो या सडनली अगर एक्सपेंशन हो तो यहां ध्यान देना है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर ऐसा होता है तो ये आपका कहलाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। एक बात और ध्यान देना है आपको कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। हम लोग स्लोप के आधार पर इस समय देखेंगे कि कितना फास्ट होगा। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि पिस्टन में तो दो बात हो गया कि एक एक्सपेंशन होगा तब भी सडनली एक्सपेंशन हो जाए या सडनली कंप्रेशन हो जाए। एक बर्स्टिंग ऑफ टायर का अचानक फटना भी इसी में एग्जाम्पल लिया जाता है, चूंकि वेरी फास्ट प्रोसेस होता है वो। यहाँ ध्यान दे रहा है पर देखिए ध्यान देना ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है तो उसमें आपका सिस्टम के अंदर जो है कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, ये तीनों चेंज करता है, लेकिन हीट एक्सचेंज का अनुमति इसमें नहीं होगा। ये ध्यान देना है। इसमें जो है कि जो पैरामीटर्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, ये अपने में चेंज होगा लेकिन हीट एक्सचेंज केवल इसमें नहीं होगा, ये ध्यान देना है। अर्थात क्यू कॉन्स्टेंट रहता है या एच कांस्टेंट कहिए तो डेल क्यू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे अब हम लोग बात करते हैं जिसे पी आइसोथर्मल का अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होगा, पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं डी पी बाई डी वी और ये चला जाएगा इधर माइनस पी बाई वी होगा। ये है आपका आइसोथर्मल स्लोप, ये है आइसोथर्मल स्लोप हो गया आप। और अगर हम लोग इसका बात करें पी भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ तो इसके ऊपर, ठीक है, पी भी टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको अगर कीजिएगा तो क्या होगा, पी को छोड़ देते हैं, गामा और वी गामा माइनस वन, ये डी भी हो गया, और फिर भी टू दी पावर गामा को छोड़ देते हैं, ये डी पी और इधर कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो गया। फिर यहाँ पर देखिए वी टू दी पावर गामा डी पी और इसको इधर टर्म को लाया जाए माइनस पी गामा और वी गामा माइनस वन डी वी होगा। तो यहाँ पर डी पी बाई डी वी अगर करेंगे डी पी बाई डी वी तो कितना हो जाएगा माइनस गामा
और पी, और यहाँ पर ध्यान देना होगा जब इसको उप यहाँ ले आएंगे, देखिए यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर कितना, इसको एक लाइन और कर दिया जाए, देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर एक लाइन ऐसे करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए डी डी पी बाई डी वी करना है तो माइनस पी गामा भी गामा माइनस वन, और ये हो जाएगा भी टू दी पावर गामा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या होगा, डी पी बाई डी वी और माइनस माइनस गामा और पी, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा भी माइनस वन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए स्पेस हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका डी पी बाई डी वी और ये हो जाएगा माइनस गामा और पी बाई वी हो जाएगा, पी बाई वी ये गामा है, ये होगा आपका एडियाबेटिक स्लोप। एडियाबेटिक जो स्लोप होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी को क्या लिखेंगे, आइसो थर्मल स्लोप, अर्थात ये समझना होगा कि एडियाबेटिक जो स्लोप होगा वो जो है आइसो थर्मल स्लोप का कितना होगा, गामा टाइम फास्ट हो गया यहाँ पर, ये समझना है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो एडियाबेटिक आप लोग का प्रोसेस होगा वो कितना फास्ट होगा, आइसो थर्मल का गामा टाइम्स हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इसको अगर हम लोग ग्राफ के द्वारा अगर देखना चाहें तो अगर एक्सपेंशन में अगर हम लेते हैं, एक्सपेंशन में अगर लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इस तरह हो गया, ये पी है और इधर भी कर दें हम लोग तो ये इस तरह, देखिए एक्सपेंशन वाला बात है इस तरह, और ये आपका इस तरह, ये आपका एक्सपेंशन है, देखिए एक्सपेंशन। तो ध्यान देना यहां पर कि देखिए ये स्लोप के आधार पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल और ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिक, एडियाबेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडियाबेटिक हो जाएगा। अगर कंप्रेशन की बात करेंगे हम लोग, कंप्रेशन की बात करें हम लोग, कंप्रेशन पी है और वी है, ये कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, जब गैस सिस्टम को क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे इस तरह, कंप्रेशन हो गया यहां पर, इसको भी दिखा दिया यहां पर लिख दिया जाए तो ये कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन में क्या होगा, डायरेक्शन ये आपका रिवर्स हो जाएगा, कंप्रेस हो रहा है यहां पर, देखिए ध्यान देना, यहां पर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन में चलाएगा, अगर वॉल्यूम अगर घटेगा तो कंप्रेशन में आ जाएगा, ये ध्यान देना है। तो ये वाला हो जाएगा देखिए एडियाबेटिक और ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, देखिए यहां पर ध्यान से, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर देखिए वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है तो इसीलिए एक्सपेंशन कहेंगे, और इसमें वॉल्यूम देखिए लगातार क्या हो रहा है कि घट रहा है ये, तो ये आपका कहलाएगा आपको कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है, कंप्रेशन में क्या होगा वॉल्यूम घटता है, और यहां आप समझ सकते हैं कि स्लोप के आधार पर हम लोग इसको तय करते हैं कौन ज्यादा फास्ट है। देखिए एक चीज और, आप टेक्निकली आप स्लोप निकाल सकते हैं, अगर पी वी टू दी पावर गामा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डी पी बाई डी वी, और यहाँ देखिए डायरेक्ट माइनस याद रखिए, देखिए वी के रेस्पेक्ट में तो पावर इस पर वन है तो माइनस वन, और पी के सामने पी और वी के सामने वी, यहाँ से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं डी पी बाई डी वी माइनस पी बाई वी। अगर पी वी टू दी पावर गामा है तो डायरेक्ट इसका हम बता रहे हैं आपको, देखिए डी पी बाई डी वी
आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए भी के रेस्पेक्ट में सारा पावर इसी पर, तो माइनस गामा और पी के सामने पी और भी के सामने भी। देखिए आप फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन फास्ट कर सकते हैं इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तरीका। ये दोनों का स्लोप हम लोगों ने देखा, अब इसी में लोग अब देखिए एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट लॉ का क्या फॉर्म होगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा होगा, थर्मोडायनेमिक्स से जिसे जानते हैं लोग डीएच बराबर डीडब्ल्यू प्लस डीयू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए अभी हम लोग बात किए थे कि एच कॉन्स्टेंट होगा तो डीएच जो है जीरो हो जाएगा, तो यहां से देखिए इसको जीरो कर लेंगे डीडब्ल्यू प्लस डीयू, तो यहाँ डीयू इक्वल टू क्या होगा माइनस डीडब्ल्यू। तो देखिए यहाँ इंटरनल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। एडियाबेटिक में ध्यान देना है आपको, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगा प्रोसेस उसमें इंटरनल एनर्जी निगेटिव होता है, इंटरनल एनर्जी जो है क्या होगा निगेटिव होगा। ये पूछा जाता है आपसे बार बार कि कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगा, तो आपको बताना होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है,